हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था नंस इक्वेशन और उनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, नंस इक्वेशन हमें किसी शेल की कब अप्लाई करनी है, जब हमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड्स की जो कंसंट्रेशन है या फिर टेम्परेचर है वो क्या होगा, अलग दे रखा होगा, डिफरेंट दे रखा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर दे रखी है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर अदर देन 298 केल्विन हमें दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, नंस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो नंस इक्वेशन है हमारी वो होगी ई सेल इजकल टू या EMF ऑफ ए सेल इजकल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? ठीक है, ये हमने नंस इक्वेशन की थी और इसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने लॉग टेबल भी कर चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर कंसंट्रेशन सेल। हां जी, कंसंट्रेशन सेल होता क्या है? देखिए, कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि या तो एक ऐसी सेल, या तो जो दो इलेक्ट्रोड है वो सेम होंगे, सेम मटेरियल से बने होंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें वो इमर्स्ड है वो डिफरेंट होंगे, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन सेल्स आर द सेल्स इन विच either the electrodes immersed is made up of different material, ठीक है, and the concentration of electrolyte is same और, ठीक है, या तो मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रोड है इमर्स हो रखे हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें वो इमर्स होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, या फिर द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड इमर्स्ड इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि जो कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं वो सेल्स होती है या तो इलेक्ट्रोड जो इमर्स होता है वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो इमर्स होता है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, या फिर जो इलेक्ट्रोड होता है वो सेम मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, या फिर मैं सीधा डायरेक्ट ये बोल सकता हूं, या तो इलेक्ट्रोड डिफरेंट है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, और या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है और इलेक्ट्रोड हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हां जी, स्ट्रक्चर से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर, मैं क्या करता हूं, एक पार्टीशियम रख लेता हूं बीच में, पार्टीशियम मैंने रख दिया है, ठीक है, और दोनों ओर मैंने इलेक्ट्रोलाइट पुट कर दिया है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी।
जिसकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट, मान लो यहां पर है C1 कंसेंट्रेशन, ठीक है, ZnSO4 सॉल्यूशन है, ZnSO4 सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी कंसेंट्रेशन है C1, और इस पार्टीशन के जो राइट साइड है वहां पर है ZnSO4 सॉल्यूशन और कंसेंट्रेशन है C2, कंसेंट्रेशन है हमारे पास C2, क्लियर है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड डिप है वो होंगे जिंक इलेक्ट्रोड, वो होंगे हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड, ये भी है हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों ही क्या है कनेक्ट है, दोनों ही आपस में क्या है कनेक्ट है, क्लियर है। हां जी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां पर हमारे पास चल रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये हमारे पास क्या है, एक कंसंट्रेशन सेल होगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक कंसंट्रेशन सेल होगी, ठीक है। हां जी, जहां पर जो इलेक्ट्रोड्स है वो तो क्या है सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, मींस दोनों ही क्या है कैथोड भी और एनोड भी, दोनों ही क्या है जिंक के हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है अलग अलग है, ठीक है, ये है हमारे पास पार्टीशन, क्लियर है, जिससे कि कंसंट्रेशन हमारे पास क्या 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 हो रही है अलग हमें शो हो रही है, क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास यही होगी जो कंसंट्रेशन सेल क्या होगी, या तो इलेक्ट्रोड सेम होंगे और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग होगी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम होंगी और इलेक्ट्रोड क्या होंगे अलग होंगे, ठीक है। हां जी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास है वही साल्ट ब्रिज, जैसे हम किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। हां जी, हमारे पास होगा साल्ट ब्रिज, राइट साइड H2 से H पॉजिटिव, क्लियर है, जिसकी कंसंट्रेशन है C1, और H पॉजिटिव से H2 जिसकी कंसंट्रेशन है C2, क्लियर है। मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरफ है, कैथोड पर भी और एनोड पर भी, बट उनकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है डिफरेंट दे रखी है, एक की C1 दे रखी है और एक की C2 दे रखी है, या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZN से ZN पॉजिटिव 2 C1 कंसंट्रेशन, ZN पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है C1, और ZN पॉजिटिव 2 से ZN और ZN पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन है C2, क्लियर है, यह भी हमारे पास क्या है एक कंसंट्रेशन सेल ही है, ठीक है। हां जी, तो हम कंसंट्रेशन सेल का जो हमारे पास EMF होगा, EMF हमारे पास होगा वो होगा E cell is equal to EMF of a cell is equal to 0.0591 by N, ठीक है, N वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log of C2 by C1, log of C2 by C1, ठीक है, log of C2 by C1, क्लियर है, ठीक है। हां जी, जैसे मैं बोल सकता हूं, और यहां पर जो C2 है वो कंसंट्रेशन C1 की कंसंट्रेशन से क्या होगी ज्यादा होगी, और C2 की कंसंट्रेशन कहां पर है, इस केस में भी और इस केस में भी, कैथोड पर है, ठीक है, कैथोड पर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास नेगेटिव पोल है, ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव पोल है, या फिर मैं बोल सकता हूं जो कि हमारे पास एनोड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है एनोड है, उसकी कंसंट्रेशन इधर देखिए, यहां पर क्या है एनोड, यहां पर भी क्या है एनोड, क्लियर है, और यहां पर कंसंट्रेशन है C1, और यहां पर भी क्या है C1, तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी कम, तो लोअर कंसंट्रेशन, नेगेटिव पोल पे या एनोड पे, या फिर मैं बोल सकता हूं जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वहां की कंसंट्रेशन क्या होगी कम होगी, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव पोल है हमारे पास, या फिर हमारे पास जो कि कैथोड है, या फिर मैं बोल सकता हूं वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, वहां पर क्या होगी, वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां की कंसंट्रेशन हायर होगी, हायर कंसंट्रेशन मैं क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं, ठीक है। हां जी, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का अगर मैं सेल रिएक्शन इसकी नोट करता हूं जिंक इलेक्ट्रोड की, जो कि कंसंट्रेशन सेल की फॉर्म में हमें
गिवन है, ठीक है, मींस जिसमें दोनों ही क्या है जिंक इलेक्ट्रोड और बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एट एनोड, एट एनोड, हां जी एनोड पे हमने देखा है, एनोड पे हमारे पास क्या है, आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको लिखना है इस तरह से, जिंक जा रहा है Zn पॉजिटिव टू, कंसंट्रेशन है इसकी C1, क्लियर है। एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, हां जी एट कैथोड, एट कैथोड, वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे नॉन सिक्वेशन किस पे, हां जी Zn पॉजिटिव टू जा रहा है, Zn पॉजिटिव टू जा रहा है कहां पर, Zn पर, ठीक है, हां जी प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। और यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है C2, क्लियर, हां जी। अब हम क्या करते हैं ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, यहां पर टू इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे, क्लियर है, हां जी दोनों ही प्योर इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दोनों ही प्योर इलेक्ट्रोड है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बट ये कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, हां जी। तो Zn पॉजिटिव टू, यहां की कंसंट्रेशन कितनी है सी टू, क्लियर, से Zn पॉजिटिव टू, यहां की कंसंट्रेशन क्या है C1, ठीक है, हां जी। अब मुझे पता है जो हमारे पास नम्स्ट इक्वेशन थी, जो हमारे पास नम्स्ट इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, E नोट E सेल इज इक्वल टू, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाय N लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी नम्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, हां जी। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हां जी। देखिए मेरे पास कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और आपको पता है जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है Zn पॉजिटिव टू से Zn क्या होता है माइनस 0.746 वोल्ट, क्लियर है, हां जी। अब आप देखते हो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही जिंक इलेक्ट्रोड है, और रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या होता है यूनिक ही होता है, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड है दोनों के दोनों कौन है जिंक है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल यही होगा। अब मैं देखता हूं ई नोट कैथोड है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमें, तो माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस ऑफ एनोड है, एनोड पे भी क्या है जिंक है, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल यही होता है, तो माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये मेरे पास क्या बचा वैल्यू, हमारे पास आई है जीरो, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जीरो, ठीक है। तो हमारे पास मैं बोल सकता हूं कि जो नम्स्ट इक्वेशन बनती है या फिर ईएमएफ बनता है नम्स्ट फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल के लिए ईएमएफ जो हमारे पास बनता है वो होता है ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय एन, माइनस 0.0591 बाय एन log of हां जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में तो क्या है C1 है और रिएक्टेंट में क्या है C2, तो C1 by C2, क्लियर है, C1 by C2, या फिर मैं लिख सकता हूं और E cell is equal to हां जी 0.0591 by N log of, हां जी मैंने प्लस लिया है अभी तो प्लस लूंगा तो क्या होगा रिएक्टेंट by प्रोडक्ट, क्लियर है, ट्रिक में बात हो चुकी है, रिएक्टेंट क्या है C2, C2 by C1, क्लियर है, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास C2, तो हमारे पास क्या आ गया C2 by C1, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए ये जो ईएमएफ है निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर, हां जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल किस तरह से हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल हम करेंगे जैसे उसने बोला कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल,
न्यूमेरिकल गिवन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। हां जी, उसने दिए कंसंट्रेशन सेल जेडन से, जेडन एसओ फोर। हां जी, कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलर। नेक्स्ट उसने दिया है जेडन एसओ फोर 0.5 मोलर से जेडन। क्लियर है, ये उसने दिया है। आपको पता लग रहा है कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक के है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? हां जी, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रिएक्शन लिखोगे। हां जी, जेडन से जा रहा है जेडन पॉजिटिव टू। क्लियर है? हां जी, एनोड में रिएक्शन है ये, एट एनोड, और जेडन पॉजिटिव टू है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05 मोलर। क्लियर? प्लस टू इलेक्ट्रॉन। फिर उसने बोला है एट कैथोड। आप डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, वरना आप गलत कर दोगे इसको, ठीक है। पहले रिएक्शन लिखनी है आपको, जेडन पॉजिटिव टू से जेडन। क्लियर है? प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और जेडन पॉजिटिव टू की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.5 मोलर। क्लियर? हां जी, ओवरऑल रिएक्शन आप बोल सकते हो जेडन पॉजिटिव टू, बट जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 मोलर। क्लियर? हां जी, जिसको आप अगर डायरेक्ट करते तो प्रोडक्ट मान लेते, ये गलती आप कर देते, बट वो क्या है एक्चुअल में, रिएक्टेंट। हां जी, ये आ गया मेरे पास जेडन पॉजिटिव टू 0.05 मोलर। क्लियर है? अब आप अप्लाई कर सकते हो क्या ईएमएफ के लिए, ठीक है, नॉन सिग्रेशन। ई सेल इज इक्वल टू, आपको पता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, 0.0591/2। क्लियर? एन की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। क्लियर है? मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, 0.5, ठीक है, 0.5। रिएक्टेंट कौन सा है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 मोलर, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, 0.05। क्लियर है? और इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हां जी, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.02955 वोल्ट। क्लियर है? इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। हां जी, तो आज हम कंसंट्रेशन सेल तक ही इसको पढ़ेंगे, और इस तरह से ही आप क्या करते रहिए, न्यूमेरिकल्स की और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर ऑब्जर्वेशन।